हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो टाइम नहीं वेस्ट करते, मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आती हूँ कि आज मैं एक एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ। नहीं, मैं पेंटिंग वीडियो में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगी क्योंकि उसमें मेरा एक्सपेरिमेंट अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल ही होता है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ढोकला। जैसे कि टाइम मुझे नहीं बर्बाद करना है, मैंने यहाँ बेसन को छान लिया है। मैंने इससे पहले कभी ढोकला बनाया भी नहीं है और मैंने बस यूट्यूब पे एक दो वीडियोस देखी, उसी बेस पे बनाऊंगी। तो सबसे पहले मुझे ज़्यादा नहीं बनाना है क्योंकि अगर बर्बाद हो तो थोड़ा सा सामान ही बर्बाद हो, ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस वाले कप से, ज़्यादा नहीं, 2 कप बेसन ले लेती हूँ। सो मैंने 2 कप बेसन ले लिया है। अब इसमें जैसे कि थोड़ा सा नमक, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है मेजरमेंट का, बस मुझे जितना समझ में आ रहा है मैं उतना मिक्स करती जा रही हूँ। फिर चीनी थोड़ी सी एंड हल्दी। वीडियो में उन्होंने यही 3 चीज़ मिक्स किया था, बट मैं थोड़ा सा मिर्चा भी मिक्स करूँगी तभी तो एक्सपेरिमेंट होगा। तो थोड़ा सा मैंने मिर्चा भी ले लिया है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। आप इसमें धीरे धीरे पानी मिला के फिर इसको अच्छे से फेंट लेना है। सो गाइस, वीडियो में तो ये बताया था कि ना ये बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही थिन, मीडियम ही होना चाहिए, बट मुझे कुछ खास ऐसा समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना ही सही है, इसलिए मैं इसमें और पानी नहीं डाल रही हूँ। और मैंने सोडा पूरा नहीं मिलाया, उन्होंने सोडे को, सॉरी, इनो को उन्होंने पूरी पैकेट खोल कर डाल दी थी, बट मैंने आधा ही डाला है। और पानी मैंने अभी आप नहीं डालूंगी, अगर मुझे बाद में ऐसा लगता है कि हाँ पानी डालना चाहिए तो मैं डालूंगी। और क्योंकि एक हाथ से मैंने मोबाइल था और एक हाथ से वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है, सॉरी, इसको फेंटने में, इसमें थोड़ा सा वीडियो को पॉज करूँगी और इसको फेंटूँगी अच्छे से, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। तो गाइस, मैंने इस अच्छे से फेंट लिया है। इसको मैंने टेस्ट किया था तो इसमें थोड़ा नमक कम था, तो मैंने नमक मिला लिया। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना पतला बहुत है या इतना गाढ़ा, मुझे ये थोड़ा पतला लग रहा है, तो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो मैं ऐसे ही डालती हूँ, देखते हैं क्या होता है। आप पर इसको स्टीम करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कैसा बनता है। सो गाइस, मैंने बैटर को डाल लिया है। मैंने बैटर डालने से पहले इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा दिया था, मुझे लगा शायद चिपके नहीं ऐसा करने से। और ये मैंने पानी बॉयल करने के लिए रखा था जो कि बॉयल हो गया। अब इसके अंदर हमें रखना है, मुझे बड़ी तगड़ी वाली फीलिंग आ रही कि ये बर्बाद होने वाला है हमारा, ये जो मैं बना रही हूँ। तो इसके अंदर इसको रख के 20 मिनट पकाना है, तो फ़िलहाल मैं इसको इसके अंदर रख देती हूँ। अल्लाह ताला प्लीज़ अच्छा बने प्लीज़। और इसको आँच को उन्होंने बोला था मीडियम ही रखना है, तो इतनी आँच को कर देते हैं। और अब हम इसको 20 मिनट के लिए पकने के लिए बंद कर देते हैं। 20 मिनट बाद देखते हैं इसका क्या होगा। तो ये बन गया, अब 20 मिनट बाद मिलते हैं। सो गाइस, देखिए ये हमारा ढोकला बनकर तैयार है एंड अच्छा आया है। फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा फ्लफी नहीं है, लेकिन ये अंदर से देख सकते हैं आप लोग। देखिए देखिए, ये ऐसा है, थोड़ा सा फ्लफी है, बट थोड़ा और होना चाहिए था ऐसे स्पंजी टाइप का, ये हुआ नहीं। हो सकता है मेरे से कुछ गलती हुई हो। सो कोई नहीं, फर्स्ट अटैम्प्ट था तो इतना चलता है। एंड वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल पे लाइक अलग अलग टाइप की वीडियो आती रहती है, कभी शॉपिंग की रहती है, कभी व्लॉग हो जाता है, कभी इस टाइप की, या कभी इस टाइप की तो मैंने फर्स्ट टाइम अपलोड की थी, एंड पेंटिंग की और क्राफ्ट की ज़्यादा रहती है। तो बस अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग ये अच्छा है या बुरा।